सुप्रभात क्लास नाइन। हम लोग पिछली कक्षा में रीढ़ की हड्डी पाठ को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़ा कि उमा आती है और उसे गाना गाने के लिए कहा जाता है, तो वह एक गाना सुनाती है और शंकर को देखकर वह क्या होती है, गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तो चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं, पाठ को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। पृष्ठ संख्या 38 पर चले जाइए। रामस्वरूप, क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। कौन कह रहा है? गोपाल प्रसाद कह रहे हैं। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी, अर्थात तुम चित्रकारी वगैरह भी जानती हो। उमा चुप है। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी, यानी ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना दीवारों पर जो टंगी है, यह उमा ने ही बनाई है। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर के, मतलब जितने घर में सिलाई होती है ना सब इसी के जिम्मे है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी, हंस रहे हैं कि मेरी कमीज वगैरह भी जब फट जाती है तो कौन सीता है, उमा ही सीती है, यानी यह सिलाई जानती है, खाना वाना बनाना जानती है, मतलब जो एक घरेलू औरत को, या सीधे सीधे मैं कहूँ इनकी भाषा में, तो एक नौकरानी को जो जो आना चाहिए वह पूछ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये बहू लेने नहीं आए थे, इन्हें बहू नहीं चाहिए थी। अगर ये सच में इतने ही अच्छे होते तो यह उमा की पढ़ाई के संबंध में पूछते कि तुम पढ़ना लिखना जानती हो उमा, क्या तुमने पढ़ाई की है, अगर पढ़ाई की है तो तुमने कितनी पढ़ाई की है, क्या अगर मैं चाहूँ कि तुम नौकरी करो तो करना चाहोगी, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त देता हूँ कि तुम नौकरी कर सकती हो, तुम बच्चों को पढ़ा सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। नहीं, ये सब नहीं पूछना है, पूछना क्या है, खाना बनाना जानती हो, बर्तन मांजना जानती हो, झाड़ू लगाना जानती हो, कपड़े वगैरह सीना जानती हो, ये सब जानती हो या नहीं? क्यों? क्योंकि हमें तो ऐसी बहू नहीं चाहिए जो घर के काम ही ना जानती हो, बस हमें काम करने वाली एक लड़की चाहिए जो हमारे घर के काम को करे और मनोरंजन भी करे गाना गा के। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, मतलब गले को साफ करके इशारा करते हैं, किसको? उमा को। लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं, यह बोल क्यों नहीं रही है, लेकिन उमा तो भीतर से खौल रही है, उबल रही है, वो जवाब देने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है, वह अपने भीतर की सारी भड़ास को निकाल देना चाहती है। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी मुंह खोलना चाहिए, क्या कह रहे हैं गोपाल प्रसाद, इसे भी बोलने दीजिए, सब आप ही बोले जा रहे हैं। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। अब उमा बोलेगी, उमा बोल रही है, क्या? हल्की लेकिन मजबूत आवाज में। क्या जवाब दो बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना, यानी हम लोगों की हैसियत ऐसी है जैसे एक दुकानदार जब उसके पास कोई ग्राहक जाता है कुर्सी मेज खरीदने, तो क्या कुर्सी मेज कुछ बोलती है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे खरीदिए,
तो कुर्सी मेज की कोई मर्जी नहीं पूछता, बस उसे वह दिखा दिया जाता है, दुकानदार को पसंद, खरीदार को पसंद आ गई तो ठीक है, वरना ठीक है। राम स्वरूप चौक कर खड़े हो जाते, उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरीके से देखभाल कर खरीदता है, क्या हम लोग भेड़ बकरियां हैं जिसे कसाई देखभाल कर खरीदता है कि कितना उससे मांस निकलेगा, कितने में वह उसको बेचेगा, ये सारी चीज़ें परख कर क्या हम लोग उस तरह की हैं, क्या हमारी कोई मर्जी नहीं है, क्या हम जीवित प्राणी नहीं हैं, क्या हम मनुष्य नहीं हैं जो हमसे बिना हमारी मर्जी पूछे हमसे इस तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं, तो हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। तो ये उमा कह रही है कि क्या हमारा दिल नहीं होता जो हमें बार बार ठेस पहुंचाया जा रहा है। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं, और जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे, अपने इस साहबजादे से पूछिए। आप मुझे मेरे चरित्र को आंक रहे हैं, मेरे ऊपर अपनी मर्जी थोप रहे हैं, अपने बेटे को देखा है आपने कि किस तरह का चरित्र है उसका, वह लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों घूमता है और किस तरीके से उसे पीट कर वहाँ से भगाया गया था, जूते और चप्पलों से उसको मार पड़ी थी, उसके बैकबोन को आपने देखा है, उसके रीढ़ की हड्डी को आपने देखा है, तो आप अपने इस साहबजादे से पूछिए, मुझ पर आरोप मत लगाइए, मेरी यहाँ पर खरीदारी नाप तौल जो आप कर रहे हैं ना, आप जो मुझे यहाँ खरीदने आए हैं, यह मत कीजिए, अपने साहबजादे के चरित्र को देखिए। शंकर, बाबूजी चलिए। अब शंकर क्या कर रहा है, देख रहा है कि उसका भेद अब खुल रहा है, तो वह अपने पिताजी को कहता है कि चलिए यहाँ से। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप हो गए हैं। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, और ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है, मुझे अपनी इज्जत अपनी मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। अपने पुत्र से पूछिए जिसे आप यहाँ पर लेकर आए हैं ना, जिसकी पत्नी आप बनाने के लिए मुझे आए हैं, कि आप मुझे उसकी पत्नी बनाइएगा, उसके चरित्र को देख लीजिए, अपने बेटे को पहले देखिए कि क्या वह मुझसे विवाह करने के लायक है। रामस्वरूप, उमा उमा, अपनी पुत्री को बोल रहे हैं कि तुम शांत हो जाओ। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, लीजिए लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेत ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास है, ओफ गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है, आओ बेटे चले। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर जाइए, चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, उसके चेहरे पर क्या हो गया है, शंकर का अब तो भेद खुल गया है, तो रुलासापन है। दोनों बाहर चले जाते हैं, बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धप से बैठ जाते हैं, उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, प्रेमा, उमा उमा रो रही हो, यह सुनकर राम स्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है, रतन, बाबूजी मक्खन। यह रतन की तरफ, सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है।
अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे।